नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक बड़ी खबर। इस वक्त की आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस की कहानी अब कई दिशाओं और कई शाखाओं में बढ़ चली है। जी हां, कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी डफली अपना राग बजाने की तैयारी में है। नाराज सिद्धू को मनाने की कोशिशें कामयाब हुई है या नहीं, इस पर दुविधा अभी भी बरकरार है। हालत यह है कि सीएम बनने के बाद चन्नी चौथी बार दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं। आज शाम 4:30 बजे किसानों के मुद्दे पर वो प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करने वाले हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत इस बीच आपको बता दें देहरादून में है और पंजाब की उथल पुथल को संभालने की कोशिश में लगे हैं। हरीश रावत का कहना है कि कैप्टन को पूरा सम्मान दिया गया, लेकिन अब वो किसी दबाव में किसान विरोधियों का मुखौटा बन चुके हैं। ये कैप्टन के राजनीतिक कद को शोभा नहीं देता। जो इस बात को कहा जा रहा है कि उनका ह्यूमिलेशन हुआ, मैं बहुत विनम्रता से इस बात को कहना चाहता हूं कि पार्टी ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया। अमरेंद्र सिंह जी के 2-3 दिनों में जो बयान आए हैं, वो बयान ऐसा लगता है कि किसी प्रकार के दबाव में हैं और सत्तारूढ़ दल जो पंजाब के अंदर डिसक्रेडिटेड है, जिसको पंजाब के किसान, पंजाब के लोग पंजाब का विरोधी मानते हैं, वो श्री अमरेंद्र सिंह जी को मुखौटे के तौर पर प्रयोग करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं। आज जब देश के सामने लोकतंत्र बचाने का सवाल है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बचाने का सवाल है, ऐसे समय में श्री अमरेंद्र सिंह जी से ये उम्मीद की जाती थी कि वो सोनिया जी के साथ खड़े होकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करें। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो बातें कही हैं कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी, उस पर फिर से विचार करें और भाजपा जैसी पंजाब विरोधी, किसान विरोधी पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मदद न पहुंचाएं। अपमान को लेकर कैप्टन का दिल तड़पा, लेकिन आज हरीश रावत ने साफ कर दिया है कि कोई बेइज्जती नहीं की गई। इसी तरह विधायक दल की बैठक को लेकर भी सियासत में ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि दरअसल कौन सही है और कौन गलत है। मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। एंड मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है, 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आप आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको। 3 बार वो पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष रहे और 2 बार 9.5 साल करीब मुख्यमंत्री रहे। यदि ये ह्यूमिलेशन है तो फिर दूसरे वरिष्ठ नेता जिनको उनकी तुलना में बहुत कम अवसर मिल पाए, उनसे अमरेंद्र सिंह जी को अपनी तुलना करनी चाहिए। आई विल टेल यू लेटर, आई ऑलरेडी सेड सो। नंबर वन,
मैं आई एम नॉट गोइंग टू रिमेन इन द कांग्रेस. नंबर टू, आई एम नॉट ज्वाइनिंग द बीजेपी. दैट इज इनफ फॉर माय एट द मोमेंट. सिद्धू का काम है पार्टी चलाना, चरणजीत चन्नी का काम है गवर्नमेंट चलाना, और गवर्नमेंट चलाने को इंटरफेरेंस कभी नहीं होती. मैंने अपने टाइम में दो बार गवर्नमेंट चलाई है, तीन बार मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हूँ. एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन है चरणजीत चन्नी का, जो चीफ मिनिस्टर है. और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो बातें कही हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उस पर फिर से विचार करें. और भाजपा जैसी पंजाब विरोधी, किसान विरोधी पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मदद न पहुंचाएं. रुक करेंगे अगली खबर का. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सड़क और रेल जाम करने के लिए किसान महापंचायत को कड़ी फटकार लगाई है. जस्टिस खानवलकर ने याचिकाकर्ता किसान महापंचायत से पूछा है कि आप सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही रोक रहे हैं, आप ट्रेन रोक रहे हैं, हाईवे रोक रहे हैं, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है. याचिकाकर्ता के वकील अजय चौधरी बोले कि हाईवे तो पुलिस ने रोक रखा है, हमें भी पुलिस ने ही रोक रखा है, हम तो जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं. अब इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर ये बात है तो आप सबसे पहले यही हलफनामे में लिखकर हमें दीजिए कि आप हाईवे जाम करने वालों में शामिल नहीं हैं, आप वो किसान नहीं हैं. चौधरी ने समय मांगा तो कोर्ट ने दो दिन का वक्त दे दिया है. अब इस पूरे मामले पर सोमवार को अगली सुनवाई होगी. और दूसरी तरफ आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार हाईवे को पुलिस ने रोक रखा. देखिए, किसान महापंचायत जो याचिकाकर्ता दरअसल है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, उनकी तरफ से ये बातें कही गई है कि हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं और हम वो किसान नहीं हैं जो कि रेल रोक रहा है या फिर हाईवेज बंद कर रहा है. जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने के लिए दरअसल याचिका दायर की थी. कोर्ट ने अब इस पर कहा, याचिका दी है तो प्रदर्शन जारी क्यों है, क्योंकि अगर आपने याचिका दाखिल की है कि आपको जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना है तो फिर दूसरी तरफ ये हंगामा क्यों. इस बीच आपको बता दें कि किसानों को लेकर पंजाब हरियाणा में संग्राम बढ़ता जा रहा है. झज्जर में डिप्टी सीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान सड़कों पर उतरे तो पुलिस के साथ भिड़ंत भी हो गई. हरियाणा पंजाब में किसान कृषि कानूनों के अलावा कई और मुद्दों पर नाराज हैं. अब धान की खरीद आगे टाले जाने को लेकर भी किसान संगठन सरकार पर भड़के हुए. तो दो तस्वीरें आपको हम झज्जर की दिखा रहे हैं. पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ठीक आमने सामने हो गए किसान, प्रदर्शनकारी और पुलिस. बैरिकेड्स लगाए गए थे लेकिन किसान सुनने को तैयार नहीं थे. काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए, इसमें महिलाएं भी यहां पर शामिल है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं. इस तरह से यहां पर पानी की बौछार की जा रही है. लगातार किसानों को खदेड़ने के लिए, वहां से किसान जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें भगाने के लिए पानी की बौछार तक करनी पड़ी. तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये प्रदर्शन की. किसान नेता पहले ही कह चुके हैं कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई. खरीद में देरी किए जाने को लेकर अकाली दल के नेताओं ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है. हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी कहा है कि धान की खरीद को लेकर वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे. तो दूसरी तरफ तस्वीरें आप देख सकते हैं, अकाली दल के नेता फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के दफ्तर के बाहर धान की ट्राली भरकर लाए हैं. सुखबीर बादल यहां पर खुद पहुंचे हुए हैं और इनका ये कहना है कि केंद्र सरकार जानबूझकर धान की खरीद में डिले कर रही है. हालांकि जो केंद्र सरकार का ये कहना है कि धान की फसल में बेहद ज्यादा नमी है, पीछे बारिश की वजह से इसमें डिले किया जा रहा है. लेकिन तस्वीरें आप देखिए, अकाली दल के नेता यहाँ पर बाकायदा ट्राली भरकर लाए हैं धान की और इस धान को सड़क पर फेंका जा रहा है. यानी कि किसानों को
समर्थन करने के लिए धान की फसल को फूड कॉरपोरेशन ऑफिस, ये आप देख सकते हैं भारतीय खाद्य निगम का ऑफिस है, वहां पर इसको जो है धान को एफसीआई गोदाम यानी कि एफसीआई के और दफ्तर के बाहर इस धान की फसल को सड़क पर फेंका जा रहा है। कुल मिलाकर एक तरफ जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं चुनावों से ठीक पहले इस तरह का मौका मिलने पर विपक्षी दल भी कहां चूकने वाले हैं, लिहाजा सभी दलों ने यहां पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। कैमरामैन गुरजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। और पंजाब से जुड़ी एक और खबर आपको बताएं जिस पर पंजाब सरकार और विपक्ष में घमासान छिड़ गया है। केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा सरकार को चिट्ठी भेजकर अपनी एजेंसियों के द्वारा एमएसपी पर की जाने वाली धान की फसल की खरीद 11 अक्टूबर से पहले शुरू ना करने को कहा है। धान की सरकारी खरीद आज से शुरू होनी थी। केंद्र सरकार की चिट्ठी में कहा गया है कि बारिश की वजह से धान में नमी की मात्रा इस बार बनी हुई है। धान में नमी की मात्रा तय मानक पर पहुंचने के बाद ही एमएसपी पर धान की सरकारी खरीद की जाएगी। केंद्र की चिट्ठी के बाद अकाली दल ने पंजाब की सरकार पर हमला बोल दिया है और इसी बात को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक एक्सक्यूज बनाया, बहाना बनाया कि मॉइस्चर ज्यादा है। अभी हमने मंडी से ट्राली लेके आए हैं, मॉइस्चर चेक की है, 12.9 मॉइस्चर है जहां 17 चाहिए। ये एक्सक्यूज पंजाब सरकार का है क्योंकि पंजाब सरकार ने अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया, ना बारदाने का इंतजाम है, ना लेबर के टेंडर हुए हैं, ना ट्रांसपोर्ट के टेंडर हुए हैं, ना कोई मंडी में कोई पक्खे या कोई इंतजाम किया है, क्योंकि सारी पंजाब कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ रही है, मंत्री बनने की लड़ाई लड़ रही है, अपनी पावर दिखाने की लड़ाई लड़ रही है। ऐसा और नुकसान और किसान का हो रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। नए कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार का कहना है कि पार्टी में उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन इस दौर में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बीजेपी का विकल्प बन सकती है। देखिए, आगे का रास्ता मुझे नहीं पता है, लेकिन शायद आपने भी पढ़ा होगा, एक कविता की लाइन है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। परिस्थिति जो भी है, धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ, इस देश के भीतर जो संकट है आज में कि हम संविधान की रक्षा कैसे करेंगे, देश के जो लाखों नौजवान हैं उसकी रोजगारी का हल कैसे होगा, किसान कई महीनों से जो है कृषि जो बिल है उसको खत्म करने की मांग कर रहे हैं, तो ये जो जनता के वाजिब सवाल हैं उस पर हम संघर्ष कैसे करेंगे। रास्ता जो भी हो, उतार चढ़ाव, कंकर पत्थर जो भी हो, उसमें चलेंगे और देखेंगे। लेकिन चलेंगे कैसे, क्योंकि कांग्रेस के बारे में अब ये धारणा बन गई है कि कांग्रेस जो है वो ऑनलाइन कैंपेन और वर्चुअल एजिटेशन करती ज्यादा है, सड़क पे कम नजर आती है। ये एक बड़ा चैलेंज होगा आप लोग के लिए, आप लोग यूथ, नया ब्लड, यंग ब्लड इसमें जुड़ रहा है कांग्रेस पार्टी में। देखिए, जिंदगी को ना हमको कई बार जो है हमारे आसपास जो घट रही घटनाएं होती हैं ना, उससे बियॉन्ड भी समझने की कोशिश करना चाहिए। कांग्रेस के सामने चाहे जितनी भी चुनौती हो, कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, संसदीय व्यवस्था में सबसे बड़ा विपक्ष है, सबसे ज्यादा उसके जो है सदस्य हैं, और चाहे कोई कुछ भी कह ले, कांग्रेस अपने आप में महज एक राजनीतिक दल नहीं है, आधुनिक राजनीति में लोकतंत्र का इतिहास अपने आप में समेटे हुए हैं। और ये जो धारणा है ना, धारणा बनती बिगड़ती रहती है, राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहता है। अब जैसे आप देख रहे हैं, वैसे तो हम भी देख रहे हैं और इस देश के लाखों करोड़ों युवा भी देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि बीजेपी से लड़ने के लिए पूरे देश में कांग्रेस के अलावे और कोई विकल्प नहीं है, और इस विकल्प को हर किसी को जो बीजेपी को हराना चाहता है उसको चुनना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज स्वच्छता मिशन शहरी 2.0 और अमृत मिशन 2.0 को लॉन्च किया है। इन कार्यक्रमों का मकसद शहर को कचरा मुक्त करना है और हर घर में पीने का साफ पानी पहुंचाना है। मैं देश को स्वच्छ भारत अभियान और अमृत मिशन के अगले चरण में प्रवेश की बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2014 में देशवासियों ने भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का, ODF बनाने का संकल्प लिया था।
10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों के निर्माण के साथ देशवासियों ने यह संकल्प पूरा किया। यह अभियान पूज्य बापू की प्रेरणा का ही परिणाम है और बापू के आदर्शों से ही सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। आप कल्पना करिए, स्वच्छता के साथ साथ इससे हमारी माताओं बहनों के लिए कितनी सुविधा बढ़ी है। स्वच्छ भारत मिशन और मिशन अमृत का अगला चरण बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक अहम कदम है।